हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2017 में आई मूवी मॉम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है देवकी नाम की बायोलॉजी टीचर से, जो अपनी क्लास ले रही थी। तभी उसे पता चलता है कि एक मोहित नाम के स्टूडेंट ने आर्या नाम की लड़की को एक अश्लील वीडियो भेजा है। जब देवकी ये देखती है तो वो मोहित का मोबाइल खिड़की से बाहर फेंक देती है, लेकिन ये बात मोहित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो देवकी मैम पर काफी ज्यादा गुस्सा था। देवकी जब अपने घर जाती है तो हमें पता चलता है कि देवकी आर्या की सौतेली माँ थी। आर्या के पापा का नाम आनंद है और आर्या की मॉम के डेथ के बाद उन्होंने देवकी से शादी कर ली थी। देवकी और आनंद की एक बेटी भी है पीयू, और पीयू के साथ आर्या की काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन आर्या ने देवकी को एज ए माँ अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि आर्या अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और उनकी जगह किसी और को वो नहीं दे सकती थी। जब सब लोग डिनर कर रहे थे, आर्या आनंद से पूछती है कि उसे एक पार्टी में जाना है। ये सुनते ही देवकी उससे पूछने लगती है कि पार्टी कहाँ पर है और कितने बजे तक है। ये सुनकर आर्या गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि देवकी उसे टोक रही है। तो वही आनंद भी आर्या को पार्टी में जाने के लिए मना कर देता है। ये सुनकर आर्या बिना खाना खाए ही अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद देवकी आर्या के लिए खाना लेकर आती है और उसे बताती है कि उसने आनंद से परमिशन ले ली है और आर्या पार्टी में जा सकती है। और ये सुनने के बाद आर्या काफी खुश होती है। अगले दिन आनंद किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाता है, तो वही रात को आर्या अपने वैलेंटाइन डे की पार्टी में जाती है। वहां पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी, तो वहां पर मोहित भी था। मोहित कंटिन्यूसली आर्या को ही देख रहा था और वो अपने कजिन चार्ल्स को बताता है कि उसे आर्या चाहिए। तो चार्ल्स मोहित से कहता है कि वो अब भी आर्या के करीब जाने की कोशिश करे, जिसके बाद मोहित वैसा ही करता है और आर्या उस पर गुस्सा हो जाती है, जिसके बाद मोहित वापस आ जाता है और सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। चार्ल्स कहता है कि वो दिखाएगा कि लड़की को कैसे सेट करते हैं, इसलिए वो एक ड्रिंक में कुछ मिला देता है और उसे आर्या को पिलाने की कोशिश करता है। आर्या उस ड्रिंक को नहीं पी रही थी, इसलिए आर्या की एक फ्रेंड उस ड्रिंक को पी लेती है। अब चार्ल्स का भी प्लान फ्लॉप हो गया था, इसलिए सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में आर्या को पाकर रहेगा। तो वही आर्या की फ्रेंड जिसने वो ड्रिंक पी रही थी, उसे नशा हो गया था, इसलिए आर्या बाहर कैब बुलाने के लिए जाती है। तभी आर्या की माँ का कॉल आता है और वो आर्या से पूछती है कि वो कब तक घर आ रही है। आर्या बताती है कि वो 30 से 40 मिनट में घर आ जाएगी, जिसके बाद आर्या कैब बुलाने लगती है। तभी वहाँ पर मोहित, चार्ल्स और चार्ल्स का एक क्रिमिनल फ्रेंड जगन और वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड बाबूराम यादव आता है, और वो चारों मिलकर आर्या को एक कार में डालते हैं और उस कार को लेकर एक सुनसान जगह पर जाते हैं। उसी कार में वो चारों आर्या के साथ जबरदस्ती करते हैं और साथ ही उसे मारने की कोशिश भी करते हैं। अंत में वो लोग आर्या को एक नाले के पास छोड़ देते हैं। तो वही देवकी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि आर्या अभी तक घर नहीं आई थी। आर्या ने कहा था कि वो 30-40 मिनट में आ जाएगी, लेकिन 2-3 घंटे गुजर चुके थे। जिसके बाद देवकी पार्टी में जाती है तो वहां पर पता चलता है कि आर्या घर निकल चुकी है। देवकी समझ नहीं पा रही थी कि आर्या गई कहां होगी, इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जरूर आर्या के साथ कुछ बुरा हुआ होगा। वो पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी कंप्लेंट को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे, क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था कि आज वैलेंटाइन डे है तो आर्या कहीं पर गई होगी। तो वही वहां पर एक डिटेक्टिव था जिसका नाम था टीके। वो देवकी से कहता है कि अगर उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उसे कॉन्टेक्ट कर सकती है। वो उसे अपना कार्ड देता है और देवकी भी वो कार्ड लेकर चली जाती है। तभी देवकी को पता चलता है कि आर्या हॉस्पिटल में है, तो देवकी हॉस्पिटल चली जाती है। वहां पर आर्या को देखकर देवकी काफी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि आर्या की कंडीशन काफी खराब थी। तभी डॉक्टर देवकी को बताती है कि आर्या के साथ गैंगरेप हुआ है। अब ये सुनकर देवकी और ज्यादा रोने लगती है। देवकी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब किया किसने होगा। वो आर्या के साथ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्या उससे बात नहीं कर रही थी। एक्चुअली जब आर्या को मोहित ने किडनैप किया था, तो वो कह रहा था कि अब बुला अपनी माँ को। इसलिए आर्या को लग रहा था कि देवकी ने मोहित का मोबाइल फेंका, इसलिए मोहित ने उसके साथ ये सब कुछ किया। अब इसकी वजह से देवकी और आर्या का रिलेशन और ज्यादा खराब हो गया था। अगले दिन जब आर्या के पापा आते हैं, तो पापा को देखकर वो काफी ज्यादा रोने लगती है। वो उन्हें बताती है कि उसके साथ किसने ये सब कुछ किया। अब मोहित का नाम सुनकर देवकी काफी ज्यादा शॉक थी। अब इस केस को इंस्पेक्टर मैथ्यू हैंडल कर रहे थे। जैसे ही आर्या का बयान मिलता है, वो उन चारों लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद कोर्ट केस शुरू होता है और वहां पर आर्या को ही ब्लेम किया जाता है। अपोजिट लॉयर का कहना था
कि आर्या जानबूझकर मोहित और उसके फ्रेंड्स को फंसा रही है। वो कहता है कि आर्या ने पार्टी में ड्रिंक किया था और उसके बाद आर्या के साथ किसी और ने ही रेप किया होगा। आर्या की मेडिकल रिपोर्ट चेक करते हैं तो वो रिपोर्ट भी 100% मैच नहीं हो रही थी। एक्चुअली इस रिपोर्ट को मोहित की फैमिली ने चेंज कर दिया था। अब मोहित और चार्ल्स की फैमिली की बात करें तो ये काफी बड़े फैमिली से आते हैं और काफी पैसे वाले थे। उन्होंने कुछ गवाहों को पैसे दिए थे और कुछ गवाहों को धमकी दी थी, इसलिए सब लोग उनके साइड से ही बोल रहे थे। अब कोर्ट का डिसीजन आता है कि आर्या के साथ गलत हुआ है, लेकिन ये इन चारों ने नहीं किया, इसलिए इन चारों को कोर्ट इनोसेंट कह देती है। अब ये सब देखकर आर्या और ज्यादा टूट गई थी। तो वही आनंद से आर्या की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए वो मोहित को जाकर थप्पड़ मारता है। अब आनंद ने कोर्ट में थप्पड़ मारा था, इसलिए उसे जेल हो जाती है। जब देवकी उसकी बेल कराने जाती है तो इंस्पेक्टर मैथ्यू उसे सॉरी कहते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि आर्या के साथ इन्हीं चारों ने गलत किया है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तब देवकी कहती है कि इस देश में थप्पड़ मारने पर जेल होती है, पर रेप करने पर नहीं। देवकी के फैमिली लॉयर सजेस्ट करते हैं कि उन्हें हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए, लेकिन देवकी उन्हें मना कर देती है, क्योंकि देवकी जानती थी कि इस सब से आर्या को बहुत तकलीफ होगी, फिर से उससे वैसे ही सवाल किए जाएंगे और इस सब से आर्या की कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। आनंद और देवकी डिसाइड करते हैं कि वो आर्या को लेकर कहीं बाहर घूमने जाएंगे, लेकिन आर्या कहती है कि वो कहीं भी नहीं जाना चाहती और वो दोनों भी आर्या को फोर्स नहीं करते। अगले दिन देवकी जब स्कूल जाती है तो मोहित स्कूल में था। ये देखकर देवकी काफी गुस्सा होती है कि मोहित को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं कि कोर्ट ने मोहित को इनोसेंट कहा है, इसलिए वो सस्पेंड नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने फिर भी ऐसा किया तो मोहित के पापा काफी बड़े आदमी हैं, वो लोग स्कूल के ऊपर ही केस कर देंगे। अब देवकी डिसाइड करती है कि वो रिजाइन कर देगी, क्योंकि जहां पर उसकी बेटी का रेपिस्ट है वहां पर देवकी कैसे पढ़ा सकती है। देवकी जब घर जा रही थी तो उसे मोहित की गाड़ी दिखाई देती है। देवकी काफी ज्यादा गुस्सा थी, इसलिए वो मोहित का पीछा करने लगती है। वो चाहती थी कि वो मोहित का एक्सीडेंट करके उसे मार दे, लेकिन तभी वहां पर एक ट्रक आता है और देवकी रुक जाती है। यहां पर देवकी का एक्सीडेंट भी हो सकता था और तब देवकी को होश आता है। देवकी समझ जाती है कि वो ऐसे इन लोगों को सबक नहीं सिखा सकती, जिसके बाद देवकी को डिटेक्टिव डीके का ख्याल आता है। वो जाकर डीके से मिलती है और उसे बताती है कि उसे बाबूराम की पूरी जानकारी चाहिए। अब डीके जानता है कि ये सब करना गलत होगा, लेकिन फिर भी वो देवकी का साथ देता है, क्योंकि डीके की भी एक बेटी है और वो समझ सकता है कि जब बेटी के साथ ऐसा कुछ होता है तो पेरेंट्स को कैसा लगता है। जिसके बाद डीके उसे बाबूराम की सारी जानकारी देता है, जिसके बाद हम बाबूराम को देखते हैं जो एक शराब के ठेके से बाहर आ रहा था। तभी उसे एक औरत इशारा करती है और बाबूराम उसके पास चला आता है। तभी वहां पर एक और औरत आती है और बाबूराम को ऑटो में बिठाकर कहीं लेकर जाती है। बाबूराम को जब होश आता है तो 4 दिन बीत गए थे और 4 दिनों से वो बेहोश था। उसके साथ क्या क्या हुआ यह उसे कुछ भी याद नहीं था। वो जब वॉशरूम जाता है तब उसे पता चलता है कि किसी ने उसका प्राइवेट पार्ट कट कर दिया है। ये देखकर वो काफी पैनिक होता है और बाथरूम में फिसलकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके सर में चोट लगती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब यही बात न्यूज में आ रही थी कि रेप केस में फंसा हुआ एक आदमी, उसकी डेथ हो गई। आर्या जब इस न्यूज को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसके रेपिस्ट को किसी न किसी तरह से सजा मिल गई थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब कुछ देवकी ने किया था। एक्चुअली देवकी ट्रांसजेंडर्स की मदद किया करती थी और उन्होंने ही देवकी की इस सब में हेल्प की। देवकी जाकर उन्हें थैंक्स कहती है, जिसके बाद अब उसे चार्ल्स के बारे में जानना था। अब डीके देवकी को चार्ल्स के बारे में हर डिटेल देता है, जिसके बाद देवकी काफी सारे एप्पल्स लेकर आती है और उनके सीड्स निकाल कर साइनाइड पाउडर बनाने लगती है, जिसके बाद मौका देखकर देवकी चार्ल्स के प्रोटीन पाउडर में उस पाउडर को मिला देती है। और चार्ल्स जब वो पाउडर लेता है तो वो पैरालाइज हो जाता है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और वहां पर मोहित उसे देखने आता है। मोहित जब हॉस्पिटल में था तो देवकी मोहित के घर चली जाती है। वो अपने साथ एक चाबी वाले को लेकर गई थी और वो उसे ऐसा दिखाती है कि वो घर उसका है। देवकी मोहित के घर के अंदर जाती है और डस्टबिन में सारे एप्पल्स डाल देती है, लेकिन ये सब करते वक्त देवकी अपना चश्मा वहीं पर भूल जाती है। तो वही चार्ल्स के प्रोटीन पाउडर में साइनाइड था, इसलिए वो भी पुलिस केस बन गई थी। वहां पर इंस्पेक्टर मैथ्यू आते हैं और उन्हें डाउट आ रहा था कि ये सब कुछ कोई जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि पहले बाबूराम की मौत और अब चार्ल्स के साथ यह सब कुछ हो गया था। तभी मोहित को कॉल आता है कि उसके घर में आग लग गई है, जिसके बाद मोहित और इंस्पेक्टर मैथ्यू वहां जाते हैं तो वहां पर मोहित के डस्टबिन में उन्हें काफी सारे एप्पल्स मिल गए थे। अब मोहित को अरेस्ट कर लिया जाता है
कि उसी ने अपने भाई को साइनाइड देकर मारने की कोशिश की, जिसके बाद मोहित को जेल हो जाती है। और ये देखकर आर्या काफी बेटर फील कर रही थी। तो भाई इंस्पेक्टर मैथ्यू को पता चल गया था कि ये सब के पीछे किसका हाथ है। वो जाकर देवकी को समझाते हैं कि वो ऐसा कुछ भी ना करें। वो उसे ये भी बताता है कि जो चौथा आदमी है जगन, वो एक क्रिमिनल है और काफी ज्यादा पैसे वाला भी है, इसलिए उसे बचकर रहना होगा। लेकिन देवकी इन सब बातों को इग्नोर कर देती है। वो डीके को जगन का पता लगाने के लिए कहती है और डीके अपने काम पर लग जाता है। तो वही आर्या बेटर फील कर रही थी, इसलिए वो आनंद से कहती है कि वो लोग कहीं घूमने जा सकते हैं। अब इस डिसीजन से घर वाले सभी लोग खुश थे, क्योंकि आर्या थोड़ी सी बेटर फील कर रही थी। तो वही जगन जब जेल में मोहित से मिलने जाता है, तो मोहित बताता है कि किसी ने उसे जानबूझकर फंसाया है। यहाँ पर जगन को ये भी पता चलता है कि मोहित के साथ जो दूसरा कैदी है, वो मोहित को सेक्सुअली मॉलेस्ट किया करता था। यानी मोहित ने जो आर्या के साथ किया था, अब उसके साथ वही सब कुछ कोई और कर रहा था। जिसके बाद जगन चार्ल्स से मिलने के लिए जाता है। चार्ल्स पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था और जगन उससे पूछता है कि ये सब किसने किया। चार्ल्स बताता है कि मॉम। ये कहकर उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जगन समझ जाता है कि मॉम मतलब कौन। वो देवकी को मार देना चाहता था, लेकिन उसे पता चलता है कि देवकी अपनी फैमिली के साथ बाहर गई है। अब ये सब कुछ जब जगन ढूंढ रहा था, तो डीके उसका पीछा कर रहा था और जगन इस बात को नोटिस कर लेता है और वो डीके को मारने की कोशिश करता है। वो डीके को पूछ रहा था कि देवकी कहाँ है, लेकिन डीके उसे कुछ भी नहीं बताता, जिसके बाद जगन डीके को मार ही देता है। जिसके बाद जगन वहीं पर जाने लगता है जहाँ पर देवकी अपनी फैमिली के साथ गई थी। तो वही इंस्पेक्टर मैथ्यू जब डीके के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो उन्हें डीके का चश्मा दिखाई देता है और उसमें एक कैमरा था। वो जब कैमरा फुटेज देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जगन अब देवकी को मारने गया है, इसलिए वो भी जगन के पीछे पीछे वहीं पर जाने लगते हैं। तो वही हम देवकी की फैमिली को देखते हैं, जो एक स्नो कॉटेज में रुकी हुई थी। वहां पर आर्या थोड़ा बेटर फील कर रही थी और वो थोड़ी देर बाहर घूमकर जब कॉटेज में वापस आते हैं, तो जगन वहां की पावर कट कर देता है, जिसके बाद वो आनंद को शूट करता है और आर्या के पीछे जाने लगता है। देवकी ये सब देखती है और आर्या को वहां से भागने के लिए कहती है, जिसके बाद आर्या वहां से भागने लगती है और जगन देवकी को मारने की कोशिश करता है। वो देवकी के मुंह पर पॉलीथीन रखता है और उसे सांस नहीं आ रही थी, जिसके बाद जगन कहता है कि वो सबसे पहले आर्या को मारेगा, फिर देवकी को। जिसके बाद वो आर्या को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर देवकी भी गन लेकर आ जाती है। वो जगन को मारना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर इंस्पेक्टर मैथ्यू आता है। वो देवकी से कहता है कि उसके पास सबूत है कि जगन ने डीके को किस तरह से मारा है, लेकिन देवकी कहती है कि फिर से कोर्ट केस वही सब होगा जो पिछली बार भी हुआ था। पिछली बार भी क्रिमिनल्स को सजा नहीं हुई थी, लेकिन किसी तरह से मैथ्यू उसे समझाता है और देवकी रुक जाती है। मैथ्यू उसे ये भी बताता है कि आनंद जिंदा है और फिर भी अगर देवकी ने जगन को शूट किया, तो देवकी को ही जेल हो जाएगी। जिसके बाद देवकी रुक जाती है, लेकिन जगन कहता है कि वो देवकी को जेल भेज कर रहेगा। वो जानता है कि देवकी ने बाकी सबको किस तरह से सबक सिखाया था और ये सारी बातें आर्या सुन लेती है। तब आर्या समझ जाती है कि उसके रेपिस्ट को सजा देने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी। मैथ्यू जब सुनता है, तो वो देवकी से कहता है कि अगर उसे जगन को मारना ही है, तो इस गन से मारे। जिसके बाद देवकी मैथ्यू के गन से गगन को मारने वाली थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन तभी आर्या देवकी को पहली बार मॉम के बुलाती है और देवकी गगन को शूट कर देती है। अब आर्या ने देवकी को एज अ माँ एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद वो दोनों काफी इमोशनल होकर एक दूसरे को हग करती है और यही पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मॉम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।